कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर से संबल योजना को रिलॉन्च किया है। संबल योजना के रिलॉन्च के मौके पर सीएम शिवराज ने 1863 लाभार्थियों के खाते में 41.29 करोड़ रुपए भी सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कमलनाथ सरकार की संबल योजना बंद करने पर निशाना साधा। संबल योजना में हमने प्रावधान किया, बीच में दूसरी सरकार आ गई, उन्हें ठंडे बस्ते में संबल डाल दी, गरीबों को लाभ देना बंद कर दिया, संबल कार्ड बने थे वो कार्ड रद्द कर दिए, अब वो कार्ड निकाल के रख लेना सब, फिर से संबल शुरू हो रही है, ये कार्ड फिर काम आएंगे। ये न्याय नहीं था, ये कितनी अच्छी है योजना को बंद कर देना। और ये योजना ऐसी है कि जो जन्म से जीवन पर्यंत तक, जन्म से जीवन पर्यंत, अच्छा जन्म नहीं, जन्म के पहले से जिंदगी के बाद तक, और जन्म से पहले का मतलब है जब संबल योजना की पात्र मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। हमारी ऐसी गरीब बहन क्या ऐसे काल में भी जब आराम करना जरूरी हो क्या मेहनत मजदूरी करती रहे? 4,000 रुपया मिलेंगे तो कम से कम उस समय आराम कर सकेगी, और बेटा बेटी को जन्म देने के तत्काल बाद काम में ना लगना पड़े। और नहीं तो हमने वो दृश्य देखे हैं बचपन में गांव में, हम लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बेटा बेटी को जन्म दिया और महीने भर का भी नहीं होता था तो बच्चे को संग लेके या तो खेत के मेड़ पर धर देते थे या घर पर छोड़ देते थे और दिन दिन भर बहने काम करती थी। अब ये नहीं होगा मेरी बहनों, 16,000 रुपया आपको आराम करने का अवसर देंगे, आपको पोषण आहार भी मिलेगा। आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था और नया सवेरा योजना शुरू की थी। सत्ता में वापसी करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।